اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सरजमीन रेवड़ी तालाब शहर बनारस पर आज की इस पुरनूर नूरानी शब में जमात रजाए मुस्तफ़ा शाख बनारस के ज़ेर एहतमाम आज का ये हमारा और आपका सजा सजाया प्रोग्राम जश्न आमदे रसूल के नूरानी मिंबर पर जलवाबार जमात अहले सुन्नत के बाविकार उलमा इकराम गुले बागे सियादत शेख तरीकत मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद कमाल अख्तर साहब तिबला व नक़ीब इजलास पैकर शेर व सुखन हज़रत मौलाना आफाक मुशाहिदी साहब तिबला व दीगर अंदलिबान गुलशन रिसालत व बिरादरान अहले सुन्नत व जमात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। परवरदिगारे आलम का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि अपने हबीब की याद में आज की इस मखसूस रात में अल्लाह ने हमारा और आपका इंतखाब कर लिया है। आप सबको सुनने के लिए, हम जैसे लोगों को याद मनाने के लिए रब ने ये जमात रजाए मुस्तफ़ा शाख बनारस के ओहदेदारों और मेंबरों को तौफीक बख्शी कि उन्होंने अपनी मेहनत व काबिश के ज़रिए अपने ज़ौक़ शौक और मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर ये अज़ीमुश्शान इजलास सजाया और हर साल ये इस आज की रात में सजाते हैं। परवरदिगार आलम उनकी इस खिदमत को अपने हबीब के सदक़े कबूल फरमा। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक सिलसिले नात खानी और उलमाए इकराम के पाकीज़ा बयानात ये मुबारक लम्हा आप सबको मौसूल हुआ। आप सब बैठे रहे अपने नबी की याद में, वक्त आप गुजारते रहे। अब आखिरी मरहला चल रहा है। इस अखीर मरहले में थोड़ी देर के वास्ते आपका खादिम
मोइनुद्दीन अहमद फारूकी आपकी दहलीज मोहब्बत पे हाजिर है। आइए जी लगा कर सबसे पहले हम और आप इंतहाई मोहब्बत के साथ यकजुबानो यख्याल होकर दारैन के सरवर कौनैन के आका नबियों के इमाम रसूलों के पेशवा सुबह का इनात के शमसुद्दुहा शामे का इनात के बदरुद्दुजा आकाए कौनैन साहिबे हरमैन मालिके काबा कौसैन जद्दे हसनैन महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मगरिबैन फातिहे बद्रो हुनैन वसीलताना फिद्दारैन आकाए नामदार मदनी ताजदार सरकार अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सला की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूदो सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबीयुल उम्मी वालिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। हजरात, ये जश्न आमद रसूल जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के अहदेदारान और अरकान ने मिलजुल कर मुनक़िद किया है, सजाया है, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े इनकी खिदमतों को कबूल फरमा और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के अरकान को परवरदिगार आलम दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, बरकतों से माला माल फरमा, जिन्होंने इस प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिले में दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया, परवरदिगार हर एक की खिदमत को कबूल फरमा, सबको आज की इस मुबारक शब के सदक़े बरकतों से माला माल फरमा। आप सब जानते हैं यही वो रात है जिसकी सुबह सादिक तुलू होते होते मक्के की धरती पर एक आवाज़ उठी, एक शोर हुआ और वो मक्के की धरती पर सुबह सादिक की सुहानी घड़ी में जो एक शोर उठा पूरी दुनिया में, ये बात दस्त कर गई हमारे आपके आंगन में आई, हर किसी के कानों तक पहुंची, हर किसी की जुबान पर यही एक जुमला आ रहा था कि रबीउन नूर की 12 को दोशंबे के दिन सुबह सादिक की सुहानी में सुहानी घड़ी में अल्लाह सुबह सादिक की सुहानी घड़ी में अल्लाह का हबीब आया और हर कोई ये आवाज उठा रहा था कि अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ, आमना का जिगर पारा पैदा हुआ, कोई कह रहा था कबीले बनू हाशिम का एक अजीज पैदा हुआ, एक शोर उठा, एक आवाज उठी पूरी दुनिया में, ये आवाज गश्त करते हुए मेरे कानों तक भी आई, टकराई, मैंने भी ये शोर सुना। जब शोर कानों तक आया, आवाज आई, मैंने आलम ख्याल में बारगाह रब कदीर में दस्ते सवाल दराज कर दिया, मौला घर घर पैदाइश का सिलसिला जारी रहता है, तेरे बंदे तेरी कुदरतों की बुनियाद पर पैदा होते रहते हैं, हर किसी के घर बच्चा पैदा होता रहता है, कोई बच्चा पैदा होता है घर वाले जानते हैं, अजीज जानते हैं, रिश्तेदार जानते हैं, आखिर ये मक्के की धरती पर दोशंबे के दिन कौन सा ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि पूरी दुनिया में उसकी विलादत का शोर है, हंगामा है, हर तरफ बातें चल रही हैं, सदा आ रही है, ये कौन सा बच्चा पैदा हुआ। आलमे ख्याल में मैंने बारगाहे रब्बे कदीर में दस्ते सवाल दराज कर दिया, मौला करीम तेरी बारगाह में मेरा सवाल है, ये मक्के की धरती पर दोशंबे के दिन रबीउन नूर की 12 को
दुनिया के लोग कहते हैं अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ, आमना का जिगर पारा पैदा हुआ, कबीले बनू हाशिम का अजीज पैदा हुआ, अब्दुल मुत्तलिब की आंखों का नूर पैदा हुआ। मेरा सवाल है तेरी बारगाह में, ये पैदा होने वाला कौन सा ऐसा बच्चा है, इतना शोर है बागे आलम में, या रब ये कौन आ गया, बागे आलम में या रब ये कौन आ गया, जिसकी आमद का दुनिया में शोहरा हुआ। तो गैब से नदा आ गई, नादान रब ने इरशाद फरमाया, ये तो मेरे बंदों की अपनी बोली है, उनकी अपनी जुबान है। कोई कहता है अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ, अमना का नूर नजर पैदा हुआ, अब्दुल मुत्तलिब की आंखों का नूर पैदा हुआ, ये बंदों की अपनी जुबान है। अगर तू मुझसे सवाल करता है तो मेरा जवाब ये है, मक्के की धरती पर अब्दुल्ला का नूर नजर ही नहीं, रब ने इरशाद फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया, नूर आ गया है, ये खुदा ने इरशाद फरमाया है। और हमारे पैगंबर के ताल्लुक से आज जो लोग भी कहते हैं कि मक्के की धरती पर ये नबी, ये अल्लाह का नूर आया है, अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ है, आमला का नूर नजर पैदा हुआ है, लेकिन कुरान की जुबान में तो यूं समझ में आता है, आज रबी उन नूर की 12 को सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये तो वो जात है जिसकी पैदाइश तो रोजे अव्वल हो चुकी है, आज वो नूर अब्दुल्ला का नूर नजर बनकर जलवा बार हो रहा है। रब ने कहीं कुरान में खलकना मुहम्मदन नहीं फरमाया, बल्कि परवरदिगारे आलम ने इरशाद कहीं फरमाया तो कद जाकुम मिनल्लाहि नूर फरमाया, कहीं रब ने इरशाद फरमाया तो यूं फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, अल्लाह ने कहीं फरमाया मैंने तुम्हें शाहिद बनाकर भेजा, रब ने कहीं फरमाया अल्लाह का नूर आ गया, और उसी खुदा ने ये भी इरशाद फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज बासा फीहिम रसूला, अल्लाह ने मबऊस फरमाया, जाहिर फरमाया, भेजा, वो आया, ये कुरान के अल्फाज के मानी है, पैदाइश तो मुस्तफा की रोजे अव्वल हो चुकी है, वही खुदा का नूर आज रूए गीती पे जलवा भार हो रहा है। नबी आ गए मक्के की धरती पर, मेरे पैगंबर सुबह सादिक की सुहानी घड़ी में आ रहे हैं, आ गए दुनिया में अल्लाह के नबी बनकर आए हैं, पैगंबर खुदा के रसूल बनकर आए हैं, सारे रसूलों के इमाम बनकर आए हैं, सारे नबियों के ताजदार बनकर आए हैं। यूं कहिए कायनात की असल और कायनात की जान बनकर मुस्तफा जाने रहमत नबी और नूर की 12 को तशरीफ लाए, आए दुनिया में जब खातिमुल अंबिया, आए दुनिया में जब खातिमुल अंबिया, कायनात जहां मुस्कुराने लगी, फूल हंस हंस के खुशियां मनाने लगे, हर कली झूम कर यू सुनाने लगी, गमजदों को मसर्रत का मुस्ता मिला, गमजदों को मसर्रत का मुस्ता मिला, शादमानी से हर गुंजे दिल खिला, आमदे मुस्तफा की सुहानी घड़ी रहमते किबरिया से मिलाने लगी, आमदे मुस्तफा की सुहानी घड़ी रहमते किबरिया से मिलाने लगी। और जब जमीन पर मोहम्मद ने रखा कदम, जब जमीन पर मोहम्मद ने रखा कदम, छा गया सारे आलम पे अपने करम, छा गया सारे आलम पे अपने करम, बदलियां रहमतों की बरसने लगी, बदलियां रहमतों की बरसने लगी, रहमते किबरिया से मिलाने लगी, रहमते किबरिया से मिलाने लगी, आए दुनिया में जब खातिमुल अंबिया, कायनात जहां मुस्कुराने लगी,
बुत कदों में थे उस वक्त जो बुत खड़े, उनकी ताजीम को सर के बल गिर पड़े। जुल्मते कुप्र दुनिया से रुखसत हुई, नूरे हक से फिजा जगमगाने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी की विलादत बासआदत इसी महीने की इस रबीउल नूर की 12 को सुबह सादिक के सुहानी घड़ी में मक्के की धरती पर हो गई। कैसा एहतमाम किया है मेरे खुदा ने और किस शान से भेजा है खुदा ने। कुरान में जिस आयत शरीफा की अभी मैंने तिलावत की है, इस आयत पाक में अल्लाह ने हमारे नबी की अजमत और नबी का रुतबा, नबी का विकार, नबी की बुलंदी, नबी की फजीलत और नबी की शान और अजमत का जिक्र यूं फरमा दिया, कमा अरसलना फीकुम रसूला। उलमाए इकराम का नूरानी काफिला है, एक से एक इल्म और अमल के पैकर रूए मिंबर शरीफ पर जलवा बार है। बेहमदही ताला माशाल्लाह, बड़ी खुशी मुझे हुई दिली तौर पर, एक कल्बी खुशी और दिली तौर पर मेरा हौसला बुलंद हुआ, जबकि फाजिले जलील पैकर इल्म और अदब हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन कमाल साहब किबला, जो आपके मदनपुरा बनारस के ही रहने वाले हैं और जामिया हमीदिया रिजविया के लायक व फाइक उस्ताद हैं, उनका एक कारनामा और उनकी ये कलमी काबिश और उनकी तसनीफ व तालीफ, एक मुरक्का और मुरस्सा किताब, सजी सजाई किताब, जो इस मिंबर पर जिसके इजरा की रस्म हजरत शेख तरीकत अल्लामा सैयद कमाल अख्तर साहब के मुकद्दस हाथों से अंजाम दिया गया, वह का बाकायदा किताब मुरतब की हजरत मुफ्ती अहसन कमाल साहब ने और उसको तबात के मरहले से गुजार के तैयार करके आज की इस नूरानी मिलाद मुस्तफ़ा की शब में उसका इजरा कराया है। परवरदिगारे आलम हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन कमाल साहब की इस काबिश को, उनकी मेहनत को, उनकी कोशिश को कबूल फरमाए। ये एक बहुत बड़ा काम किया है बनारस की सरजमीन पर, औलिया मशाइख और अल्लाह के निकोकार बंदों ने जो बनारस की धरती पर आकर अपना फैज लुटाया, अपने फैदान से यहाँ के लोगों को मालामाल किया, उनके दीनों मजहब को बचाया, उनको हिदायत की राह बताई, मंदिले मुनीर दिखाई और उनको रब की बारगाह से करीब किया। ऐसे मशाइख और उलमा बेशुमार बनारस में हैं। पिछले ऐसे मशाइख हैं कि उनके हालात पर कुछ और दूसरों ने काम किए हैं, किताबें लिखी हैं, लेकिन बाद के कुछ ऐसे मशाइख हैं और ऐसे उलमा हैं, ऐसे सूफिया हैं, ऐसे अल्लाह वाले हैं जिनकी शख्सियत अवाम की निगाह में आज महजूब सी बनी हुई थी, कोई जानता नहीं था। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन कमाल साहब ने अपनी कोशिश और अपनी मेहनत के जरिए उन उलमा मशाइख सूफिया सुलाहा और निकोकार अल्लाह के वलियों के ताल्लुक से पूरी मेहनत और पूरे दलायल की रोशनी में उनकी तारीख, उनके कारनामे, उनके हालात सब कुछ उस किताब में बयान किए जिसका नाम तज़किरे सालिहीन बनारस है। तज़किरे सालिहीन बनारस का इजरा की रस्म यहाँ अंजाम दी गई है आज की इस मुबारक रात में। ये भी अल्लाह का फजल और उसका करम है कि उसने जारी भी करवाया है, तो आज की उस रात में जिसकी सुबह में मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवा बार हुए हैं। बेहमदही ताला मुझसे हजरत मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया था कि तुम भी पहले से ही आ जाओ और तुम्हारे हाथों से इजरा की रस्म अंजाम दी जाए। मैंने हजरत से माजरत किया और कहा मैं इन दिनों किन हालात से और कैसे मरहले से गुजर रहा हूँ, लाचारी मजबूरी कुछ दामनगीर है, ये काम
बड़ा ही अच्छा बड़ा काम है मुस्तफ़ा की अता जिनके साथ हुई है। खदाने मुस्तफ़ा से जो लोग माला माल हुए हैं उनके हालात पर आपने काम किया है। नबी की जात से निस्बत रखने वाला एक आले रसूल मिंबरे नूर पे आ रहा है, सबसे बेहतर है कि उसके मुकद्दस हाथों से ये काम करा दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद मालूम हुआ कि हजरते शेख तरीकत सैयद कमाल अख्तर साहब क़िबला के मुकद्दस हाथों से इजरा की रस्म अंजाम दी गई। दिल खुश हो गया। दुआ है परवरदिगार आलम हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन कमाल साहब की इस खिदमत को कबूल फरमाए और इस किताब को मकबूल ख़वास व अवाम फरमाए। वो अपनी बारगाह में भी मकबूल फरमाए, अपने रसूल की बारगाह में मकबूल फरमा ले। आप हजरात से गुजारिश है उस किताब को एक कीमती तोहफा, नायाब तोहफा और इस इजलास का खास तोहफा, आज की रात का ये बेशबहा तोहफा समझकर आप जरूर उसे लें और अपने पास रखें, मुताला करें, पढ़े हो खुद पढ़ें वरना किसी से पढ़वा कर सुने। ईमान भी ताज़ा होगा, हिदायत भी मिलेगी, अल्लाह वालों की याद मनाएंगे, सवाब भी मिलेगा और आपकी नस्ल, आने वाले बच्चे और आने वाले दिनों में आपकी आलो औलाद को उसका फायदा पहुंचेगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तस्करे सालिहीन बनारस आपने लिखी है। हमारी जमात के उलमाए इकराम जो बनारस के रहने वालों में रहे उन्होंने भी बहुत काम किए हैं, लेकिन इस तरफ और उलमा की तवज्जो कम रही। ये हजरत मुफ्ती हसन कमाल साहब क़िबला की मेहनत व काविश को हम सराहते हैं, दाद देते हैं, दुआ करते हैं मौला करीम उनके कलम में और भी जोर पैदा फरमा, मजीद और भी काम करने की तौफीक रफीक अता फरमा और उनके इल्मी फैदान से हम सबको माला माल फरमा। तस्करे सालिहीन बनारस आप जरूर लेके जाइए, मुताला कीजिए, पढ़िए, समझिए तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह वाले कैसी मेहनत और कैसी कोशिश और कैसी काविश के जरिए अल्लाह के बंदों को हिदायत की मंजिल तक चलाते हैं और अल्लाह उन्हें उसके सिले में कैसा मकाम देता है कि वो बारगाहे रब्बे कदीर की बारगाहे रब्बे कदीर में कुर्बियत से नवाज दिए जाते हैं। बहरहाल तस्करे सालिहीन बनारस आप जरूर लीजिएगा, मुझे दिली खुशी हासिल है, बहुत खुशी हासिल हुई है, कल भी खुशी हासिल हुई है। इस तरह का काम हमारे बनारस के जमा साल ये आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन कमाल साहब ने किया है। परवरदिगार आलम मजीद और कामों को उनसे लेता रहे, उनको तौफीक बख्शे। दिगर और जो हमारे जमा साल उलमा हैं उनसे भी अल्लाह ताला दीने मतीन का काम लेता रहे। दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबीजुल उम्मी व आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम। अर्ज कर रहा था कि रब ने नबी को भेजा रबीउन नूर की 12 को और फिर कुरान में नबी का जिक्र अलग अलग अंदाज से खुदा ने फरमा दिया। जिस आयत शरीफा की तिलावत मैंने की है इस आयत पाक में अल्लाह ने शान मुस्तफा भी बताया है और कैसे नबी को भेजा है वो भी बताया है और नबी को किस लिए भेजा है इसका भी जिक्र मेरे खुदा ने इसी आयत में फरमाया है। इरशाद रब्बानी होता है कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिक्मा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। कुरान में परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया कमा अरसलना जैसा के हमने भेजा। ये लफ्ज कमा जो है शुरू में ये इस बात का तकाजा पेश कर रहा है कि कमा जैसा के माना यही है जैसा के, इससे पहले कोई ऐसा जिक्र है जिसको जैसा के साथ अल्लाह ने बताना चाहा है।
हमारी आपकी जुबान में भी बोलते हैं। जैसे यहाँ बगल में ये जय नारायण ग्राउंड है और यहीं बगल में एक आलीशान दरगाह है जमात अहले सुन्नत की, जिसे जामिया फारूकिया कहते हैं, और उसी से और कुछ कदम आगे बढ़ेंगे तो जामिया हमीदिया रिजविया की अजीम शान इमारत है और वो कीमती इदारा वहाँ मौजूद है। कोई आदमी ये कैसा कह सकता है कि जामिया फारूकिया बड़ा अजीम शान इदारा है ऐसा जैसा के जामिया हमीदिया रिजविया, जैसा के मदरसा मंदर इस्लाम बरेली शरीफ है, जैसा के अलजामियतुल हमीदिया शकर तालाब है। ये लफ्ज जैसा बताएगा कि फारूकिया की अजमत कोई कम ना समझे, हल्का ना समझे, बल्कि जैसे ऊंचे ऊंचे इदारे बनारस की धरती पर हैं, उन्हीं ऊंचे इदारों में एक इदारा वो भी है जिसे जामिया फारूकिया कहते हैं। इसी तरह से कुरान करीम में परवरदिगारे आलम ने कमा फरमाया और कमा फरमा कर आगे इरशाद फरमाया अरसलना जैसा के हमने भेजा। इस जैसा को समझना है तो उससे पहले आप कुरान का मुताला करेंगे तो तब्दीलिय किबला का जिक्र हुआ है। तब्दीलिय किबला यानी पहले बैतुल मुकद्दस इबादत के वास्ते किबला था, उसका इंतखाब था, लोग जब इबादत खुदा की करना चाहते तो कान तो बैतुल मुकद्दस को किबला बनाते, लेकिन मेरे मुस्तफा ने, हम सब के नबी ने, रहमतुल्लिल आलमीन ने, परवरदिगारे आलम के महबूब आदम ने, रसूलों के इमाम और नबियों के पेशवा ने रूए जमीन पर आने के बाद आपका मंशा ये हुआ, चाहत ये हुई, कल्बी तकादा यूं उठा कि काश हमारा किबला अहले इस्लाम का किबला बैतुल मुकद्दस ना होता बल्कि खाने काबा होता। ये चाहा था मुस्तफा ने, मुस्तफा की वो चाहत है कि किसी चाहत को खुदा टालता नहीं है, जो जो मुस्तफा चाहते हैं वो खुदा अता करता रहता है। चाहा मुस्तफा ने, बस खुदा ने करम फरमा दिया और नमाज ही के हालत में मुस्तफा को हुक्म हो गया, ए मेरे नबी तुमने चाहा है कि काबा को किबला बना दिया जाए, लिहाजा आज इसी वक्त से अब काबा किबला बनाया जाएगा। बैतुल मुकद्दस से खाने काबा को किबला बना दिया गया, रुख नमाज में मुस्तफा ने फेर दिया और उस दिन से ये अब खाने काबला अहले इस्लाम के वास्ते किबला बन गया। ये काम कोई सोचे कि कोई बड़ी बात नहीं है, अरे वो तो कहा, उन्होंने चाहा तो कर लिया, कोई बड़ी चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने इस तब्दीलिय किबला की अहमियत को बताने के लिए कमा फरमा कर आगे जो अहमियत बताई है वो अपने नबी को भेजने की बताई है, और रहती दुनिया अहले इस्लाम को, मेरे खुदा ने ये पैगाम देना चाहा है, ए दुनिया में आने वाले मेरे बंदो, ये तब्दीलिय किबला का जो काम हुआ है ये कोई आसान नहीं था, बस मेरे हबीब की चाहत थी, मैंने पूरा कर दिया, और ऐसा ये अहम काम था जैसा कि हमने तुम्हारे बीच उस मुकद्दस रसूल को भेजा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कमा अरसलना जैसा के हमने भेजा। यहां उलमाए इकराम इल्म फन के आफ्ताब महताब बैठे हैं, जुबान जानने वाले ग्रामर्स और उसूल और जाब्ता जानने वाले लोग बैठे हैं, मेयारी मिंबर बा अजमत मिंबर है, अवाम में भी ऐसे लोग हैं जो जुबान और ग्रामर्स जाब्ते कानून को जानते हैं। हमारी आपकी जुबान में अगर कोई चीज किसी को देने वाला कोई तन्हा होता है और वो जब ये कहता है कि मैंने फला को, अपने दोस्त को फला सामान दिया, मसलन
ये एक मेरा चश्मा है, मैंने अपने दोस्त को थमा दिया। कोई पूछेगा कि भाई आपने चश्मा क्या किया, तो मैं कहूंगा मैंने अपने दोस्त को दे दिया। और अगर ये चश्मा अकेला मेरा नहीं बल्कि चंद लोग इसमें शामिल हैं और देने वालों में चंद लोग हैं, तो उस वक्त मेरी जुबान पर ये आएगा, ये हम लोगों ने फला को दे दिया। देने वाले चंद होंगे तो हम बोलेंगे, देने वाला अकेला होगा तो मैं। ये उर्दू जुबान में है। इसी तरह जुबान अरबी में भी अरसल्ला रब ने फरमाया है, जुबान अरबी में अरसल्ला ये जमे मुतकल्लिम का सीगा है। इसके माना होते हैं हम लोगों ने, हमने भेजा। अब जब रब का ये कलाम पाकीज़ा निगाहों के सामने गुजरा तो अब ज़ाब्ती और ग्रामर्स के रूह से मेरे ज़हन व फिक्र में सवाल पैदा हो गया और मैंने बारगाहे रब्बे कदीर में ये दस्ते सवाल तराश कर दिया। ए मौला, तेरी जात तो वादहू ला शरीक है, तू तो यकता है, अकेला है, तन्हा है, न तेरा कोई शरीक है, न कोई हमसर है, न कोई यावर है, न कोई मददगार है, तू अकेला है। और तूने कुरान में फरमाया अरसलना, ये जमा का सीगा है। इससे समझ में आता है कि हम लोगों ने भेजा, हमने हमारे शरीकों ने मिलकर भेजा। तेरी जात तो वादहू ला शरीक है, तुझे तो फरमाना चाहिए था कमा अरसल, तो जैसा के मैंने भेजा, लेकिन तूने अरसल ना फरमा दिया। ऐसा क्यों है कि गैब से जवाब आया, नादान तू जानता नहीं है मैं जात के लिहाज से वाहिदो यकता हूँ, तन्हा हूँ, अकेला हूँ, न मेरा कोई हमसर है, न यावर है, न मददगार है, न मेरा कोई शरीक है, न मेरा कोई बाप है, न बेटा है, न बीवी है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाह वाहिदो यकता है। फिर मौला तूने अरसलना क्यों फरमाया, तो रहमत बारी ने आगे बढ़कर जवाब दिया, जात खुदा जात के लिहाज से वाहिदो यकता है, लेकिन अपने औसाफ, अपने कमालात, अपने इख्तियारात, अपनी कुदरतों के लिहाज से परवरदिगारे आलम ने जामे है, जामे उल इख्तियारात है, औसाफ का जामे है, कमालात का जामे है, जात के लिहाज से वाहिदो यकता है, औसाफ के लिहाज से जामे है। रब्बे कदीर को अरसलना इसलिए रब ने फरमा दिया कि मैं अपनी कुदरतों की बुनियाद पर मैंने जमीन बनाया, आसमान बनाया, चांदो तारे बनाए, दरख्तो समर बनाए, शजरो हजर बनाए, बरगो बहर बनाए, खुशको तर बनाए, कायनात के जर्रे जर्रे को वजूद बख्शा। मैंने अपनी कुदरतों की बुनियाद पर जन्नतो जहन्नम को पैदा किया, लोहो कलम को पैदा किया, अर्शे आजम को पैदा किया, अंबियाओ मुरसलीन की जमात को पैदा किया। अपनी कुदरतों की बुनियाद पर रूए जमीन पर इंसानों की इंसानों को वजूद बख्शा। मैं बड़ी कुदरत का मालिक हूँ, और जब मुझे अपने हबीब को भेजना मंजूर हो गया तो मैंने अरसलना इसलिए फरमा दिया कि नबी को हमने अपनी तमाम तर खूबियों के साथ रूए जमीन पर भेजा है। और अरसलना फरमा कर ये बता दिया, ये जाने वाला कोई हल्का नहीं है, बल्कि भेजने वाले का इख्तियार और उसकी कुदरतों का पढ़ने वालों को अंदाजा हो जाए। अल्लाह ताला ने अरसलना फरमा कर आगे फरमाया, फीकुम रसूला, तुम में भेजा। रसूल जो आए हैं सिर्फ मक्के वालों के लिए नहीं, मदीने वालों के लिए नहीं, सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं, किसी एक खानदान कबीले वालों के लिए नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा को मेरे खुदा ने जो भेजा है। फीकुम फरमा कर ये रब ने बता दिया, नबी सबके लिए आए हैं,
कौनैन में कायनात में जो जो चीजें पैदा हुई हैं सबके वास्ते मुस्तफा खुदा के नबी बनकर आए, फीकुम तुम में भेजा। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बात एकदम इब्तदाई मरहले में रह गई। मैंने चाहा था थोड़े से वक्त में थोड़ी सी बात पेश कर दूंगा, लेकिन बात कुछ तमीदी तौर पर लंबी हो गई। अल्लाह ताला ने हमारे और आपके नबी को बड़ी शान और अजमत के साथ भेजा है और इरशाद फरमाया, फीकुम तुम में। तुम ये ना सोचना कि अरब वालों के लिए, कबीले बनू हाशिम के लिए, सिर्फ मक्के वालों के लिए, सिर्फ मदीने वालों के लिए नहीं, फीकुम तुम में भेजा है। जहां जहां तुम रहोगे वहां मुस्तफा रहेंगे। और फीकुम का तर्जुमा सूफियाए किराम ने, अल्लाह वालों ने ये फरमाया है, फीकुम का माना यूं समझो, मुस्तफा हम में ऐसे आए हैं जैसे हमारे जिस्म में जान होती है। जिसमें जैसे जान है उससे बढ़कर मुस्तफा का जमाल हमारे जिस्म है। और जब ये तसव्वुर हो जाए किसी का, कोई दुनिया में फिर नाकाम नहीं होगा, हिदायत से भटक नहीं पाएगा, अल्लाह की रहमत से करीब होता जाएगा। अल्लाह ताला ने रबीउन नूर की 12 को दोशंबे के दिन सुबह सादिक की सुहानी घड़ी में हजरत आमना खातून के बतन मुतहर से इस अपने नूरे पाक को इस रूबे गीती पे जाहिर बाहिर फरमाया और नबी बड़ी शान से आए। नबी की विलादत बसआदत हो रही है, एहतमाम रब ने यूं फरमाया है, मलाइका की जमात उतरती चली आ रही है, अब्दुल्ला के दरे दौलत को घेरे रखा है और झंडे लेकर ये कुत्सियों की जमात आ रही है। एक झंडा खाने काबा की छत पर, एक बैतुल मुकद्दस की छत पर और एक हजरत अब्दुल्ला के दरे दौलत पर लगाया है फरिश्तों ने। चारों तरफ से फरिश्तों की भीड़ लगी है, अस्सलातु वस्सलाम का नारा लग रहा है और इधर मेरे मुस्तफा रूवे गीती पे जलवा बार होने वाले हैं कि परवरदिगारे आलम ने जनाबे जिब्रील को भेजा है। उनसे पहले चार मुकद्दस मुअज्जम खवातीन को रब ने भेजा है, हजरत हाजरा को, हजरत हव्वा को, हजरत आसिया को और हजरत मरियम को। रब ने इन चार खवातीन को बारगाह में तलब फरमाया और इनसे इरशाद फरमाया, जाओ मेरा हबीब रूवे जमीन पे जलवा बार होने वाला है, जाओ तुम लोग आमना खातून की खिदमत गार बनकर चली जाओ। आमना खातून तन्हा है, कुछ वहशत है, कुछ घबराहट है, कुछ उलझन है, कुछ परेशानी है कि उसी आलम में ये खवातीन आ रही है। रब ने तालीम भी फरमाई है, तरबियत इन्हें फरमाई है, तुम आमना के वास्ते अजनबिया होगी, आमना तुम्हें पहचानेगी नहीं, पूछेंगी तुमसे कि कौन हो तो ये ना कहना कि हम हुआ हैं, ये ना कहना कि हम हाजरा हैं, ये ना कहना कि हम मरियम हैं, बल्कि जब हाजरा पूछे तो तुम सबका जवाब होना चाहिए, आने वाले उस मुकद्दस मेहमान के लिए हम खिदमतकार बनकर आए हैं। ये शान है मुस्तफा की। ऐसी मुकद्दस खवातीन को खिदमत के लिए भेजा, वो आ गई, इहतमाम जारी है, फरिश्ते मरहबात का तराना सुना रहे हैं। जिब्रील अमीन को रब्बे कदीर ने हुक्म फरमाया, जाओ जिब्रील, जिब्रील अमीन जाओ जन्नत से शराब तहूर लेकर जाओ, आमना खातून को पिलाओ ताकि आमना को सुकून मिल जाए। उसी आलम में जनाब जिब्रील आते हैं, अपने हाथों में शराब तहूर से भरा हुआ प्याला लाकर हजरत आमना को पेश किया है। आमना खातून से जनाब जिब्रील कहते हैं, इशरिब या आमना, ए आमना आप इसको पी लीजिए। हजरत आमना खातून पीती है, जो ही पीती है मुकम्मल तमानियत, मुकम्मल सुकून, मुकम्मल इत्मीनान, सारी घबराहट, सारी उलझन, सारी परेशानी कापूर हो जाती है
और अब जनाबे जिब्रील शराबे तुहूर पिलाने के बाद बड़े अदब व एहतराम से अर्ज करते हैं, आप अपनी जुबान हाल से कहते हैं, इधर या सैयद अल मुरसलीन, चले आओ ए मुरसलीन के सरदार, इधर या खातमन नबीयीन, इधर या अनीसल गरीबीन, इधर या रहमतल लिल आलमीन। जनाबे जिब्रील कहते जा रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत जलवा बार होते जा रहे हैं। ऐसी पाकीजा बेमिसलो बेमिसाल विलादत है मेरे मुस्तफा की। नबी तशरीफ ले आए, दुनिया में ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ जैसे मेरे नबी आए। आए नबी, पैरहन आपके जिस्म पाक पर है, लिबास मलबूस है लिबास में। दुनिया में हर के घर बच्चा पैदा होता है, बरहना आता है, लेकिन नबी जो हमारे आ रहे हैं वो जेबतन है, मलबूस है लिबास में। नबी आए हैं, अभी रूवे गीती पे जलवा बार हुए। नबी आए, आते ही आपने फौरन अपनी पेशानी को सिजदे में रख दिया, पेशानी को सिजदे में रख दिया। हजरत आमना खातून महवे हैरत हो गई, ये क्या माजरा है, किसी के घर ऐसा बच्चा नहीं देखा गया, ये क्या है, पेशानी सर पेशानी सिजदे में है, सजदे की हैयत बनी है। हजरत आमना खातून अपने कान को जरा करीब ले जाती हैं तो आवाज सुनती हैं, बच्चा नहीं है ये, नबुव्वत का ताजदार है, रिसालत का सरदार है, कायनात की जान है, रब का महबूब आदम है। हजरत आमना खातून फरमाती हैं, मैंने जो कान करीब किया तो आपकी आवाज आ रही थी, आप रब की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती। ये मेरे मुस्तफा ऐसे रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए हैं, आते ही सबसे पहले अपनी उम्मत के लिए, अपने गुलामों के लिए रब से बख्शिश की दुआ फरमा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की ये विलादत बासआदत बड़ी बेमिसल बेमिसाल है। जश्न मनाना रवा ही नहीं मुस्तहसन है, बल्कि आज की रात में शब्बेदारी करके सारी रात नबी की नात पढ़ना, जिक्र करना, खुदा की कुदरतों का बयान करना, ये सब जरिया निजात बन सकता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारे आलम हमें आपको सबको महफिल मीलाद रचाने मनाने की तौफीक रब्बी अता फरमाए, उसकी बरकतों से माला माल फरमाए।